आप हमको सिखाइएगा गजाबाद फिर तुम बोल रहे हैं आप। अरे अपना काम करने दीजिए ना बस, आप क्यों चिंता करें। मना ही तब न कर रहे नौकरी देने के वादा करने वाले तेजस्वी यादव अब सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में बिहार के युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है और हर रोज तेजस्वी यादव के दरबार में बेरोजगार युवाओं की लंबी कतार देखने को मिलती है। तस्वीर कल देर शाम की है, सुबह से लेकर शाम तक बेरोजगार युवा तेजस्वी यादव से मिलने के इंतजार में उनके आवास के बाहर खड़े रहे। अंत में देर रात उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है। हर बेरोजगार अपनी बेरोजगारी की आत्मकथा जो है वो तेजस्वी यादव को सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, अब वो सरकार में आ गए हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि 10 लाख नहीं 20 लाख देंगे, रोजगार और नौकरियां जो है बिहार के युवाओं को मिलेगी। बात अगर कर ली जाए STT की, बात कर ली जाए NM की, बात अलग अलग विभाग में जो परीक्षाएँ हुई और उसके बाद उनकी नियुक्ति नहीं हुई, जिसको लेकर लगातार एक लंबे समय से बिहार के युवा आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के सरकार में आने के साथ युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है और इसी उम्मीद के साथ हर रोज़ राबड़ी आवास के बाहर सुबह से लेकर शाम और देर रात तक लंबी कतार देखने को मिलती है। यूं कहे तो अब बेरोजगारों की मेला राबड़ी आवास के बाहर लगता है, जिस मेले में तेजस्वी यादव आकर लोगों से, बेरोजगार युवाओं से मुलाकात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि उनकी समस्या का निदान हो जाए। तस्वीर राबड़ी आवास की है, कल देर रात बेरोजगार युवाओं की टोली तेजस्वी यादव के आवास के बाहर सुबह से लेकर शाम और रात तक इंतजार की, जिसके बाद तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हो जाती है। बंद करिए।